यार इस बार लग रहा है ना कि RRBJ में कंपटीशन कम होगा यार। 5 जून का RTI आ चुका, किसी में ऐसा अनप्रिडिक्टेबल बहुत ज़्यादा फॉर्म नहीं भरा गया। जम्मू में देख लो 29,000 फॉर्म है, वैकेंसी भी ठीक है। उसके बाद बिलासपुर में देख लो, पिछली बार से कम फॉर्म भरा गया, वैकेंसी ज़्यादा है, 50,000, 300 नियर अबाउट है। सिलीगुड़ी में 2,000 है। तो ये 3 जून तो था, कल रांची में आया। रांची में तो और शॉकिंग डेटा था यार, आपने वीडियो नहीं देखा? रांची में 2300-2100 के नियर अबाउट फॉर्म है। अब गोरखपुर का आ चुका है। अब गोरखपुर में कितना फॉर्म है, शॉक हो जाओगे। गोरखपुर की वैकेंसीज की बात कर लेता हूँ। गोरखपुर में वैकेंसी 259 वैकेंसीज है। 259 वैकेंसीज हैं गोरखपुर में, जिसमें 108 जनरल की पोस्ट है, मतलब आपका UR की पोस्ट है, रिजर्व कैटेगरी का पोस्ट है। उसके बाद SC का 46 है, ST का 25 है, OBC का 55 है, EWS का 25 है। टोटल 261 पोस्ट आपका गोरखपुर में है। और यहाँ पे देखोगे सबसे ज़्यादा अगर गोरखपुर की बात किया जाए, गोरखपुर में वैकेंसीज कि गोरखपुर में बात किया जाए तो आपका सिविल में भी ठीक ठाक वैकेंसीज है, मैकेनिकल में भी ठीक ठाक है, तो ओवरऑल सारे वैकेंसीज में ठीक ठाक वैकेंसीज है। अब इसमें फॉर्म कितना भरा गया है, बहुत शॉकिंग डेटा है ना, बहुत शॉकिंग डेटा है भाई। तो भाई अब देखो यार, धीरे 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 सबका नोटिफिकेशन छोटे छोटे का आ रहा है, कम कम वालों का, बड़े वाले का तो अभी नहीं आ रहा। जैसे मुंबई का भी नहीं आया, मुंबई का वेट करना पड़ेगा, कोलकाता का, चेन्नई का, अजमेर का, अहमदाबाद का। इसमें देखो, इसमें दिया गया है यहाँ पे जो भी लिखा गया डेटा, 34,183 लोगों ने फॉर्म भरा, 34,183। अब देखो 259 को 34,183 कैलकुलेट कर लो यार, कैलकुलेट करो, 34,183, 34,183 डिवाइडेड बाई 259, 131, मतलब फॉर्म ठीक भरा गया यार। देखो यार, कल रांची में देखा जाए तो 70, रांची में भी तो कम फॉर्म भरा गया, मैंने वहाँ कल कैलकुलेट किया था तो 70 नियर अबाउट पर पर्सन आ रहे थे, एक सीट के लिए 70%, मतलब CBT 1 की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे CBT 1 के लिए 131 पीपुल, और 15 गुना लोगों को बुलाया भी जाएगा CBT 2 के लिए, तो ठीक है यार। मतलब कैसा कोई थोड़ा बहुत तो यहाँ पे है, 259 पोस्ट में 34,000 लोगों ने ठीक ठाक फॉर्म भरा है। अब यार कंपटीशन क्या होता है, कंपटीशन 34,000 से मतलब नहीं, 34,000 में ना 80% लोग पढ़ने वाले भी नहीं होंगे। तो भाई अगर इसमें से 34 कितने लोगों को बुलाएंगे, मान लो 2 259 29 आपके 15, तो भाई 259 लोग को मतलब है, तो 15 गुना बुलाएंगे, यानी 3,000 से 4,000 लोगों को वहाँ पर बुलाया जाएगा। अब 4,000 लोग जब बुलाए जाएंगे, अब बात किया जाए, देखो यार अब 259 पोस्ट है, अब 259 पोस्ट में अब डिपेंड करता है, अब लोग ब्रांच वाइज पूछते हैं कि ब्रांच वाइज कितना, देखो ब्रांच वाइज आता ही नहीं है ना RTI, कैसे ब्रांच वाइज आ जाएगा? किसी इलेक्ट्रिकल में कम होगा, मैकेनिकल में कम हो सकता है, सिविल में कम हो सकता है, सिविल में ज़्यादा हो सकता है, ये डिपेंड करता है भाई कहाँ कितना लोगों ने फॉर्म भरा। बट गोरखपुर में कंपटीशन की बात की जाए, यस आप मान लो 34,000-35,000 लोगों ने फॉर्म भरा है, तो अब देखो 34,000-35,000 का मतलब ये होगा कि इतने लोग तो तैयारी कर नहीं रहे होंगे, उसका 80% लोग, 20% भी लोग तैयारी कर रहे होंगे भाई, मतलब 20 से 30%, 50% लोग, मतलब 10,000 लोग तैयारी करते हैं। 10,000 लोगों में बहुत ज़्यादा मतलब 5-6,000 लोग, मतलब जाना तो है 3,800 लोग, तो कंपटीशन कह सकते हो कि ठीक ठाक है, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो हो जाएगा यार। मतलब ये टारगेट करोगे 65-70 के बीच टारगेट करोगे तो हो जाएगा, इतना मार्क्स तो लाना ही लाना पड़ेगा CBT 1 में, तो CBT 1 में मार्क्स का आपका टारगेट इतना ही रखना पड़े। और भी जोन का RTI धीरे धीरे आ रहा है, सारे RTI मैं डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, Technical_Exam 1 में, हमारा व्हाट्सअप भी है, तो व्हाट्सअप पे भी आप चैनल है जाके देख सकते हो गाइस। ये सारे इन्फॉर्मेशन सिर्फ टेक्निकल रांची का पहले मैंने एक्सप्लोर मतलब एक्सक्लूसिव न्यूज दिया था, बाकी और भी जून का आज देने वाला हूँ, 5-6 जून का आज कम से कम आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब नहीं करते और मैं देखता हूँ 80% लोग सब्सक्राइब नहीं कर रखे, अगर सब्सक्राइब कर देते तो चैनल का तो भाई कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो ऐसे वीडियो पाने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद गाइस।